हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जयपुर व्लॉग्स में। और गाइस, आज मैं लेके आया हूँ KTM ड्यूक 250, जिसका लास्ट वीडियो आपने देखा था एस सिर्फ प्रोजेक्ट के साथ, जो मैंने इसका साउंड सुनाया था आपको। तो गाइस, आज अपन इस बाइक का जो राइड रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि मैंने लास्ट जब मैंने इसका रिव्यू किया था ड्यूक 250 का, तब मैंने राइड रिव्यू नहीं किया था। और प्लस अब तो यार इसमें एग्जॉस्ट भी लग गया, तो यार और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैं आपको पहले इसका जो साउंड है वो सुना देता हूँ, किसका जो साउंड है वो कैसा आ रहा है। सर, लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने इसका जो साउंड है वो सुना दिया था, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से भी जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो गाइस, ये इसका साउंड है। वैसे तो यार देखो, मेरी बाइक का जो साउंड है वो थोड़ा सा तेज़ है, क्योंकि मैंने फुल सिस्टम लगवा रखा है। इसमें फुल सिस्टम नहीं है, इसमें यहाँ से कट करके एक बैंड पाइप जो है वो लगाया हुआ है। तो देखते हैं इसका साउंड। तो गाइस, ये इसका साउंड है। तो गाइस, चलो जल्दी से चलते हैं इसकी सवारी करने। सवारी बोलो, राइड बोलो, यार मज़ा तो दोनों में आने वाला है। तो यार काफ़ी, अगर बात करें बाइक की, तो यार बाइक काफ़ी स्मूथ है। यार गाइस, बाइक की बात करें तो यार बाइक जो है वो काफ़ी स्मूथ है यार। अब यार स्मूथ KTM और स्मूथ बाइक नहीं निकाले तो यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। KTM यार एक अपने आप में ही सबसे बड़ा ब्रांड है यार। अपन देखा जाए तो इसकी यार सुपर बाइक्स भी आती हैं, स्पोर्ट्स बाइक भी आती हैं, नेकेड बाइक भी आती हैं। और अगर आप मेरा चैनल बहुत टाइम से अगर देख रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि मेरे पास पहले KTM RC 200 थी, जो कि जनवरी 2020 के अंदर चोरी हो गई थी। हालांकि यार मेरा भी विचार वापस KTM ड्यूक 390 लेने का ही था, मन बन रहा था, बट यार फिर वो क्या है, थोड़ा सा ओवर बजट में जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा यार क्यों ना वापस KTM RC 200 ही ले ले। फिर यार विचार बना कि यार अभी गाड़ी चोरी हुई है और यार उसकी जो टॉप स्पीड है वो भी 134 लॉग थी, तो यार मन जो है वहाँ थोड़ा सा भटक गया। फिर मैंने यार R15 लेने का सोचा, क्योंकि यार उसकी एक तो टॉप स्पीड भी बहुत अच्छी है, 155 तक मैं उसको लेके गया हूँ। और उसके बाद उसका एवरेज भी यार KTM से काफ़ी अच्छा है। एग्जॉस्ट चेंज कराने के बाद वो 40 का एवरेज दे रही है रिसेंट में, ये अभी की बात बता रहा हूँ मैं, पहले की नहीं कि जब मैंने यार स्टार्टिंग में चेंज कराया था, नहीं, अभी भी 40 का ही एवरेज दे रही है मेरी बाइक। और उसके बाद यार सर्विस कॉस्ट वगैरह भी बहुत ही यार कम है, इतनी यार हाई कॉस्ट नहीं है। अगर यार मैं ऑयल की बात कर लेता हूँ तो यार ऑयल ही KTM का 1.5 लीटर का जो डब्बा आता है वो 1100 रुपये का आता है, और उसमें सिर्फ यूज़ जो है वो 1300 ml ही होता है RC 200 में। और अगर मैं मेरी बाइक की R15 की बात करूं तो उसमें यार 1 लीटर 900 ml डलता है, 1 लीटर का डब्बा आता है 450 रुपये का। बाकी यार देखा जाए तो यार देखो, हर ब्रांड के यार एक अलग अलग ही सर्विस कॉस्ट है, हर बाइक्स की अलग अलग होती है। अब सुपर बाइक से कंपेयर करें तो सुपर बाइक्स की तो यार कुछ ज़्यादा ही महंगी सर्विस होती है, फिर उन बाइकों का एक अलग ही प्लेटफॉर्म रेडी होता है। अभी अपन वापस आ जाते हैं अपनी KTM के ऊपर। तो गाइस, जो KTM ड्यूक 250 है यार, प्राइस के अकॉर्डिंग अगर अपन कंपेयर करते हैं तो काफ़ी स्मूथ बाइक है। 250 cc का आपको इंजन मिल रहा है, LED इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, और रही बात आपको एजो चेंज करवाने की, तो इसमें इतनी मेहनत नहीं लगती है भाई। इसमें सिर्फ आपको पीछे का जो मफलर है वो हटाना है, एक पैंट पाइप आएगा, पैंट पाइप लगेगा, और पीछे से जो आपका मफलर है वो लग जाता है। मेरी वाली बाइक में बहुत ज़्यादा माथा फोड़ी है, पूरा ही जो अपना सिस्टम है वो चेंज करवाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो एग्जॉस्ट को काटना पड़ेगा, और उसमें फिर आपको पता ही है यार ओरिजिनलिटी फिर नहीं रहती। और इन फ्यूचर अगर अपने को मान लो कि जैसे कि अभी हाल ही में हुआ था यार, एग्जॉस्ट वगैरह को लेके थोड़े नाटक वगैरह हो गए थे, नाटक तो क्या यार एक तरह से देखा जाए तो यार वो चीज़ भी सही थी, पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई थी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। तो फिर मैंने बीच में जो मेरा एजोस है वो चेंज कर लिया था। अगर मैं कटवा के लगा था
मेरा मॉडिफाइड एजोस तो उसमें बहुत दिक्कत आती, मुझे या तो नया बाय करना पड़ता या तो फिर वही जुगाड़ करके चलाना पड़ता उसको। बाकी इन बाइक्स के अंदर यार KTM ड्यूक 250 हो गई, 390 हो गई और अपने RC 390 हो गई, इन बाइक्स के अंदर ये दिक्कत नहीं आती। इन बाइक में ज़्यादा सिंपल सी होती है कि यार आप पीछे का मफलर हटाओ, छोटा वाला बैंड पाइप लगाओ जो कि आपको 1500 रुपये की कॉस्ट में मिल जाता है विथ इंस्टॉलेशन चार्जेस के साथ, और बस उसमें इतना से काम होता है, ज़्यादा नहीं होता। 2 स्क्रू खुलते हैं, 1 क्लिप लगती है, आप ये घर में भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा माथापोड़ी का काम नहीं है। बाकी अगर आप फुल सिस्टम साउंड, अगर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट अगर चेंज कराते हो तो यार उसमें जो साउंड है वो लाउड हो जाता है, जो यार अभी इन बाइक के अंदर नहीं है। मेरे वाले से कंपेयर करूँ तो यार मेरी वाली में जो साउंड सिस्टम है वो लाउड है, क्योंकि उसमें एक तो यार फुल सिस्टम है और उसके बाद कैटलिक कन्वर्टर नहीं लगा हुआ। कैटलिक कन्वर्टर भी अगर मैं लगाता हूँ तो ज़्यादा लाउड नहीं होगा वो। और इसके अंदर जो ओरिजिनल कैटलिक कन्वर्टर है वो है ऑलरेडी, बस पीछे से अपने को छोटा सा एक वो लगाना है मफलर एंड बैंड पाइप, उसके बाद आपका जो एग्जॉस्ट है विथ मॉडिफाइड वो रेडी है। बाकी साउंड बेस के साथ बाकी वाक्य में यार इसका बहुत अच्छा लग रहा है, ज़्यादा लाउड साउंड नहीं है इसमें। यार ऐसे साउंड होते ना यार वो प्यारे लगते हैं, ज़्यादा लाउड नहीं, ज़्यादा बेस नहीं, मतलब यार नॉर्मल साउंड भी आ रहा है, थोड़ा बहुत बेस भी आ रहा है, तो यार एक अलग ही मज़ा आता है सुनने में भी, अपने को भी और प्लस पब्लिक को भी, कि यार ज़्यादा लाउड नहीं है। अभी जैसे बुलेट वगैरह है उनका जो साउंड यार वो फटने लग जाता है यार, कान में बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है वो, वैसा यार इस बाइक के अंदर नहीं है, नॉर्मल लाउड है, ज़्यादा लाउड नहीं है। जबकि पूरा जो एग्जॉस्ट है वो ओपन है, उसका जो आपने होल देखा होगा वो फुल है। अगर वो मेरी गाड़ी में लगा दूँ ना भाई तो वाकई में यार कान जो है ना कान के पर्दे फटने लग जाएंगे, वो चीज़ इस बाइक के अंदर नहीं हो रही। क्योंकि यार उसका देखो कारण ये है मेन सबसे बड़ा कि उसमें अपन ने फुल सिस्टम चेंज नहीं करा है इसलिए। बाकी अब गाइस चलो बाइक की बात कर लेते हैं, एग्जॉस्ट की बाइक, एग्जॉस्ट की बात जो है वो तो हो गई। बाकी बाइक जो है बाइक चलने में वाकई स्मूथ है, और PS6 मॉडल है यार, लेटेस्ट भैया ने अभी ली थी। एक्चुअली यार जब इन्होंने बाइक ली थी तब मैं वैसे डिलीवरी वीडियो बनाने की सोच रहा था, बट यार मैं उस टाइम पे आउट ऑफ जयपुर था इसलिए मैं जा नहीं पाया। बाकी अगर अपन बाइक के चलने की देखें तो यार क्यों ना उसको टेस्ट ही कर लेते अपन एक बार। पिकअप और स्पीड के तो क्या ही कहने हैं यार, KTM में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। तूफान है भाई तूफान। तो गाइज ये थी KTM ड्यूक 250
BS6 विद SC प्रोजेक्ट HOS के साथ। तो गाइज वीडियो को मैं कर देता हूँ यहीं एंड, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। और गाइज पास में बेल आइकन आ रहा है उसको दबाओ, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्राइव, सेफ राइड एंड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। बाय।